भाई ऐसा इसीलिए है कि हमारे घर पे रात को 10 बजे के बाद ये हमारे को नचाता है, अभी सो नहीं रहा। कचिकाडिंग भाई कचिकाडिंग कचिकाडिंग भाई कचिकाडिंग व्हाई आर यू नॉट स्लीपिंग ब्रो ब्रो ए ब्रो ये क्या होता है आपके 14 दिख रहे हैं सबको, दिखाओ 14 दिखाओ 14 दिखा रहे यार सबको 14 ये टू नीचे टू ऊपर तू नीचे मामा का हैंड नहीं खाना हमें भी रुला रहा है। सो जा भाई सो जा प्लीज सो जा सो जा भाई प्लीज सो जा भाई प्लीज सो जा। ये कैसे छुपा था देखना नोनू पर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है सोते सोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा ने मामा गए दिल्ली वहां से लाए म्याऊ पंजा मामा हो गया गंगा ये और ये टूट भी आ गया। रहे हमारे पिताजी क्या हाल है, 2 दिन बाद लोहड़ी आ रही है कि तैयारी शुरू करे लकड़ी वकड़ी लेके आनी है ते वो जिदे जलांदे है और कोई एक चीज लेके आनी है। भाई पिछली बार ना हमने तसला रखा था यहाँ पे और तसले के ऊपर लकड़ी जलाई थी जिससे नीचे पड़ गया था निशान, तो हूँ कुछ चाहिए उच्चा जड़ जमीन न टच ना करे इस तरह का कुछ लेके आते सोचते। तो अभी चलते नीचे स्टोर रूम में कुछ सफाई करवानी है और देखते हैं वहाँ पे कुछ लकड़ है जलाने लायक। तो भाई स्टोर रूम में जाने से पहले ज़रा कुछ नाश्ता हो जाए क्योंकि सुबह के इस टाइम बज चुके हैं 12, एक बज चुका है दोपहर का और नाश्ता नहीं किया हुआ, सिर्फ एक कप चाय पी हुई है और अब ये मैडम जी नाश्ता कर रही है। ये और पवित ऊपर बेड पर सोते हैं, ये मेरे को नीचे फेंक देते हैं, ये देखो ये हाल है। ये मैं ऐसे सोता हूँ नीचे, एक ही कमरे में सो जाता है ना मैं एक्चुअली, इसीलिए मज़ा आता है एक साथ सोने में। और चाय का कप मेरा ये रहा, ये चाय का कप हमारे को दुबई में शॉपिंग करते वक्त मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम क्यों नीचे सोते हो मैं उसका रीज़न बता दूंगी तो फिर तुम मेरे से लड़ोगे। यार क्या है, क्या रीज़न क्या है बता दे भाई। मैं ऊपर सोता हूँ मेरे खराटे से पवित्र उठ जाता है ना है ना यही ना बस। तो क्या हो गया इसमें, खराटा बंदा मारता नहीं है खराटे, आप नहीं मारते हो खराटे, मारते हो गया। ओ भाई गर्मा गर्म परौठी आ रही है, ये रख दे इसमें रख दे। ओ भाई ये गर्मा गर्म परौठी है साथ में चाय है, दैट्स इट। इसको खाते हैं ख़त्म और फिर उसके बाद चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं भाई हमारा स्टोर रूम जो कि इतने सालों अरबों सालों से बंद पड़ा। देखो भाई मिला बोरा मिला, ये देखना भाई सामान देखना कैसे पूरा भर के रखा हुआ है, ये सब खाली करना है यार, फेंकना है यार सारा जो भी ना काम का नहीं है ना तो सब फेंकें उठा के। अरे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है फेंकने लायक, सब कुछ तो नया देख नया अटैच ही लिया था ये और ये ऐसे फेंक रहा है। फेंकने लायक तो कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें, ये भी नहीं फेंक सकता ये भी नहीं फेंक सकता ये सब कुछ फेंक ही नहीं। आइन को रखने के लिए फिर नया घर ले लें देख लकड़ी वकड़ी देख क्या है, ये तो पलंग का वो है। हाँ लेकर निकाल ले वो तो वेस्ट है ना, ये तो पलंग के निकाल ले लकड़ी, ये लोहड़ी पे काम आएगी। और ये रही भाई मेरी महिंद्रा थार, इसको मैं मनाली ले गया था भाई और मनाली के अंदर भाई जो ये भागी है ना बर्फ के ऊपर भाई मज़ा आ गया सीरियसली। और ये हमारी राम प्यारी ये दूध टमाटर प्याज लेके आने के लिए रखी है, और ये देख लो भाई सेक्सी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी अपनी बाहर खड़ी हुई है मेरी अल्कज़ार एज यूजुअल फैमिली कार और सबसे ज़्यादा यही चलती है मेरी, और बहुत बढ़िया गाड़ी निकली है बहुत बढ़िया, क्रेटा से बेटर है मतलब शिखा की क्रेटा से बहुत बेटर है। शिखा की 5 सीटर है मेरी 6 सीटर है और पीछे डिक्की भी बहुत बढ़िया है मज़ेदार, शिखा की गाड़ी से बेटर है बहुत बेटर है। पर ये इन्विटेशन फ्रॉम सोसाइटी ई ब्लॉक रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश, 13 जनवरी को लोहड़ी का फंक्शन है, बॉनफायर म्यूजिक एंड डिनर और पुरानी दिल्ली डेलिकेसी क्या है पाव भाजी मटर कुलचा आलू टिक्की आलू चाट चाट। तो भाई नए साल के तोहफे हैं मेरी तरफ से दिल से फूडी की टी शर्ट्स
जो भी फैन मेरे को मिलेगा अब रास्ते में मैं उसको ये टी शर्ट दिया करूँगा। तो लेट्स सी किस किस को मिलती है, कौन मिलता है। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ तब तक ही है जब तक ये गाड़ी में अवेलेबल है। और ये हम खेल रहे पवित के साथ, हे भगवान क्या क्या करना पड़ता है बच्चे के साथ। हाँ जी, मम्मा पापा, मम्मा बिल्ली, मम्मा बिल्ली, वो देख पवित, मम्मा माऊ बिल्ली, माऊ बिल्ली। फाइनली बचपन के दिन आ गए वापस, ठंड के वापस आ गए। एक्चुअली में ये ब्रेड ली है, इस ब्रेड के अंदर हम लगाएंगे भाई। यस यू आर राइट गाइस, चा मोचा ये। अच्छा आप भी बताओ गाइस कि आपको ऐसे एकदम बढ़िया से लगा के, ओ हो ठंडा ठंडा गर्म गर्म सॉरी ऐसे लगा के ऊपर हल्की हल्की चटनियाँ डाल के और कवर करके इसको ऐसे ब्रेड के साथ ही खाने में मज़ा आता है। या फिर नॉर्मल ही आप समोसा खाते हो नॉर्मली बिना ब्रेड के। भाई इससे तो भाई बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खाते होंगे आई एम डैम श्योर। इसको ऐसे किया, इसको किया और ये सैंडविच बना के समोसा ब्रेड खाया है। सुकृति तू कैसे खाती थी? ब्रेड के साथ भी खाते हैं, कई लोग बासी रोटी जो होती है उसको हैं। बासी रोटी हाँ, जैसे सुबह बनाई और शाम को बच गई, मॉर्निंग में हाँ। दोपहर में बच गई तो एक रोटी के बीच में समोसा दबाओ और वो बहुत स्वाद लगती है। ये हमारे पिताजी पधार रहे हैं और ये हमारे पिताजी पधार रहे हैं। पाजी किद्दा वधिया, ठंड हो गई है उनता है ना। की करना की लोड़ी ते की करना है? अपन लोड़ी आ रही है ना। हाँ की करना है? दो दिन बाद है, ये दो दिन रह गए ना सिर्फ। की करिए? दो दिन बाद सही। दो दिन बाद हाँ। की करना की है दसो? करना की है वो यहाँ की दिलाई दे। ते नाले फिर वो प्रसाद इसकी होंगे? पापा लोड़ी ते प्रसाद इसकी होंगे? मिठाई होती है। हाँ मिठाई खानी है पापा को। केड़ी मिठाई रखनी है? ओंदे ना फुल्ले रेवड़ी गच्चक ऐसे भी है ना ओंदा ना पापा। हाँ ठीक है फिर भाई ऑर्डर करो भाई। तो कौन सी मिठाई होती है? मिठाई कोई भी है भाई। तोनू केड़ी मिठाई खानी है दसो? तोनू केड़ी खानी है दसो? जो मर्जी मिल जाए। कि वो मोती चूर दे लड्डू खाओगे कि बर्फी खाओगे? बर्फी खाने का दिल कर दे या लड्डू खाने का दिल कर रहा है? लड्डू बेसन का लड्डू, बेसन का। चलो ठीक है फिर बेसन का लड्डू लेके आवांगा। बाकी मूंगफली और रेवड़ी और गज्जक ठीक है? फुल्ले किलो किलो बहुत रहे? बहुत ज्यादा है, इतना क्या करने हैं? आधा आधा किलो? हाँ बहुत ज्यादा। आधा किलो एक किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे है ना पापा।